नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, वॉइस फॉर नेशन में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। दिनों से बिहारी दर्शन नहीं किए थे मैंने। पिछली बार भी जब मैं आया था, पिछली बार भी एक कार्यक्रम में जब मैं यहाँ आया था, उस समय थोड़ा ऐसा था कि नहीं दर्शन हो पाए थे। इसलिए जब आज मुझे मौका मिला तो मैंने कहा कि आज वृंदावन में आकर के बिहारी जी के दर्शन जरूर करूंगा। और कृष्ण भगवान की धरती, बिहारी जी की धरती, यहाँ से मिलकर के लोगों से और यहाँ पर दर्शन के बाद आशीर्वाद मिले, इस उम्मीद और इस कामना के साथ मैं आया हूँ। और मुझे भरोसा है कि जो काम समाजवादियों ने शुरू किए थे वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में, गोवर्धन में, ये सरकार भी उन कामों को आगे ले जाएगी। जहाँ तक सवाल वृंदावन का है, मथुरा का है, गोवर्धन का है, बरसाना का है, समाजवादी सरकार में हम चाहते थे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए हम बनाना चाहते थे जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों लोग यहां एक वर्ष में पहुंचते हैं, कम से कम उनके लिए इंतजाम अच्छा हो, वो आए तो उनको तकलीफ और परेशानी का सामना न करना पड़े। इसीलिए आपको याद होगा, क्योंकि पत्रकार साथी कुछ चीजें भूलते नहीं है, ये एक्सप्रेस वे से जो रास्ता वृंदावन को खोला, ये समाजवादी सरकार की देन है। और ये 4 लेन भी बनना था, अब ये सरकार कितना बनाएगी ये बिहारी जी जानते हैं। ये जो बनना शुरू हो गया था घाट, एक सुंदर यहाँ भी जगह बने, क्योंकि गंगा साफ तब होगी जब यमुना साफ हो जाएगी। यमुना की सफाई नहीं होगी तो गंगा साफ नहीं हो सकती है। हिंडन नदी साफ नहीं होगी, काली नदी साफ नहीं होगी तो हमारी नदियाँ साफ नहीं हो सकती। इसलिए हमने काम शुरू कराया था, ये शायद रुक गया है। बरसाना में भी राधा रानी की जगह पर और उस इलाके में गोवर्धन में, आपको याद होगा वो केबल भी शुरू करा दिया था, जिससे जो आए श्रद्धालु, जो भक्त लोग आए, कम से कम मंदिर और आसपास का उन्हें आसान हो, उनके लिए सुविधा हो, वो काम शुरू कर दिया था, शायद वो भी रुक पड़ा है। गोवर्धन में एक बार को पदयात्रा करें लोग, लोग तरह तरह से श्रद्धा के हिसाब से चीजें करते हैं। पार्किंग की जगह नहीं थी, वॉशरूम नहीं था, समाजवादी सरकार में वो काम शुरू हो गया था। यही अक्षय पात्रा जहाँ मैं आया था, उस समय जब भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद शिलान्यास राष्ट्रपति जी ने किया था, प्रणब मुखर्जी जी ने, देश का नहीं दुनिया का सबसे